सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए क्या ना करें। सिविल सर्विसेज एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मगर कई बार अभ्यर्थी कड़ी मेहनत के चक्कर में ओवर डूइंग सिंड्रोम से पीड़ित हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक गलती के बाद गलतियों की झड़ी लग जाती है और अभ्यर्थी को या तो पता ही नहीं चलता कि वो गलती कर रहा है, या फिर उसे ये समझ नहीं आता कि वो गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और उन्हें सुधारा कैसे जाए। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि उनसे कैसे बचा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए क्या ना करें। दोस्तों, UPSC एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह का है कि इसमें गलतियों के लिए बहुत कम जगह है। यदि आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही आम गलतियों के बारे में जिनका सुधार कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो पहली गलती है ढेर सारी किताबें पढ़ना। तो UPSC आपकी ज्ञान की परीक्षा जरूर लेता है, मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ज्ञान अर्जित करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारी किताबें पढ़ें। यदि आप UPSC के सिलेबस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई विषयों की तैयारी के लिए NCERT की बुक्स और IGNOU के नोट्स ही काफी हैं। जहां तक हो सके आप इन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए। यकीन मानिए, जितनी बार आप इन किताबों को पढ़ेंगे उतनी बार आपकी जानकारी बढ़ेगी। जब आप इन बुक्स को कई बार पढ़ चुके हों और आपके पास टाइम हो, तब आप किसी और टाइप की किताब को रेफर कर सकते हैं। तो गलती नंबर 2 है दिमाग में कंफ्यूजन पालना। तो UPSC का सिलेबस इतना विशाल है, इतना वास्ट है कि कई बार अभ्यर्थी को ये समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए या फिर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाना बहुत आम बात है और आप अकेले नहीं हो जो इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो। मगर सफल होने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस मनस्थिति से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलें। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी पढ़ाई को एक रूटीन के तहत करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि किस विषय से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स को आप टाइम दीजिए, टाइम अलॉट कीजिए। इसके साथ ही अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर लें। गलती नंबर 3 है लिखने का अभ्यास नहीं करना। तो आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर आपने लिखने का अभ्यास नहीं किया तो परीक्षा में आप अपने आप को और अपने ज्ञान को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान ही लिखने का भी अभ्यास होता रहे, आप अभ्यास करते रहें। तो सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, ये उम्मीदवार की सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, समझने की क्षमता और तर्क क्षमता, परीक्षा कक्ष में समय प्रबंधन की क्षमता की भी जांच करती है। और इन क्षमताओं को निखारने का बस एक ही तरीका है और वो है लिखने का निरंतर अभ्यास। गलती नंबर 4 है मॉक टेस्ट नहीं लेना। तो आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि वीर की वीरता का प्रमाण युद्ध में ही मिलता है। तो आप चाहे जितनी भी पढ़ लें, पढ़ाई कर लें, लेकिन यदि आपने मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया तो आप अपनी कमजोरियों के बारे में आपको पता नहीं चलेगा और आप वही गलतियां आप युद्ध के मैदान यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में भी दोहराएंगे। इसके लिए मॉक टेस्ट जरूर लीजिए। यदि आपको कोई पोर्टल या संस्थान ये सुविधा नहीं दे रहा है तो आप खुद से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके जरिए टेस्ट दे सकते हैं। तो गलती नंबर 5 है रिक्रिएशन और सोने के लिए समय नहीं निकालना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए रोजाना कई कई घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन शरीर और दिमाग की भी एक सीमा होती है जिसके बाद वो जवाब देने लगते हैं। तो दिमाग में आप एक समय में एक हद तक ही इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा दिमाग कुछ समय के बाद आंकड़ों को समझने और उनको विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है उसमें अक्षम हो जाता है। अक्सर हम सिविल सेवा परीक्षा का एक हवा अपने मन में बना लेते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए सोने, मनोरंजन और आराम से जुड़ी गतिविधियों में लगने वाले समय में हम कटौती करने लगते हैं, मगर दिमाग को शांत और स्थिर करने के लिए सोना, आराम करना और हॉबीज बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी दिनचर्या में इन एक्टिविटीज को भी पर्याप्त समय दें।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, सजेशंस हैं, तो उन्हें कॉमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।